बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ इंशाल्लाह। और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कि आलू की कतलियाँ बना रही हूँ मैं आज। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ आप वो देखिए मेरे स्टाइल से। तो हमने एक प्याली ऑयल ले लिया है, ये ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ये चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, क्योंकि जो फ्राई लहसुन होता है उसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, उससे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे पहले, फिर 5 सेकंड बाद हम इसके अंदर ये प्याज डालेंगे थोड़ा सा। पहले इसको वो करेंगे तो ये आप लोग ज़रा ट्राई कीजिएगा। इस तरह ये नाश्ते में पराठे के साथ बहुत मज़े के रखते हैं, नाश्ते में भी इस तरह के झटपट के आलू बन सकते हैं। तो बस वो बच्चे भी सब कहते हैं कि आलू की कतलियाँ बनाए, बच्चों को तो ज़्यादा आलू बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो आज आलू बनाते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, मेरे स्टाइल से बहुत मज़े की बनेंगी। थोड़ा सा ये हो जाए ज़रा सा सौते, फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, लहसुन की ज़रा खुशबू इसके अंदर आ जाए। ये देखें छोटी सी हमने एक प्याज ली थी, बिल्कुल छोटी सी, बस ये इसके अंदर डाल देंगे। और मुझे मेरे चैनल को मैंने आप लोगों को कहा मुझे आप लोग सपोर्ट कर, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की साथ की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के दम से मेरा चैनल चलेगा, हमें तरक्की होगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, उनसे मेरी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करें। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर मेरा साथ देंगे, दे रहे हैं वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रा सा, बाकी अल्लाह की मर्जी है आगे। देखिए हमारे हल्के हल्के से इसका कलर आ गया, वाइट जीरा जो पहले था 1 टीस्पून डाल देंगे। और हमारे यहाँ कड़ी पत्ता नहीं मिलता, वरना इस टाइम अगर आप कड़ी पत्ते भी इसके 3-4 डाल देंगे ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का जायका और खुशबू लगेगी कड़ी पत्ता इस टाइम इसमें अगर डाल देगा 5-6 आप, हमारे यहाँ तो मिलते नहीं है, बहुत मज़े के हो जाते हैं। अच्छा देखिए आलू मैंने धो के पानी में उकर लिए थे कि वो काले ना पड़े, हम इसके अंदर डालते थे, ट्राई करेंगे फिर बाकी अपने चीज़ें डालेंगे। आपके पास कड़ी पत्ता तो आप ज़रूर डालिएगा, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, खुशबू से जायके में फर्क आता है। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखेंगे कि हमने ये आलू फ्राई करने हैं ज़रा। तो प्याज जीरा और लहसुन को जब फ्राई करते ना उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और सब्जी में तो ये लहसुन वगैरह बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई करके फिर से टमाटर डालेंगे, बाकी हम अपनी मिर्च मसाले डालेंगे उसी लेके। ये 1/2 टीस्पून से लेकर मैंने हल्दी ली है ज़रा सी, और कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि उसमें कुटी हुई मिर्ची अच्छी लगती है, किसी भी पाउडर मिर्चों का लाल मिर्च पाउडर नहीं पता करता, कुटी हुई मिर्चें वही नमक भी है 1 टीस्पून है, क्योंकि आलू हमारे थोड़े हैं तो सारे नमक तो बाद में डाल देंगे, बाकी एक है ये इसके अंदर जाएंगे, टमाटर जाएंगे, हरी मिर्ची और एंड में थोड़ी सी सूखी मेथी जाएगी, हरा धनिया। तो मैं आपको सब बताती जाऊँगी, ये आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह से ये आप ये सब्जियाँ बना लें और साथ में रोटियाँ बना लें पराठे, तो वो सफ़र में बहुत अच्छी रहती है कि ना आसानी से खा लिया जाता है। लिक्विडी चीज़ें ना प्रॉब्लम करती ना ट्रैवलिंग में, तो खुशक चीज़ें इस तरह की खुशक कीमा बना लिया, कबाब बना लिए, सगे आलू की तस्वीरें बना ली, तो बहुत अच्छी लगती है। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है ना वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा,
एक दूसरे के दोनों को फ्राई करके फिर से मैं टमाटर ऐड कर देंगे। सारे मसाले में से हल्के आके गल भी जाएंगे उसे टमाटर के पानी में। हमारी मम्मी बनाती थी खाली जीरे के आलू, फिर सफेद जीरा डाल के उसका फ्राई करके और नमक मिर्च उसमें डालते थे, वो भी बहुत मजे के लगते थे हमें। बच्चों के लिए भी वो अच्छे होते हैं, हल्की मिर्चे उस तरह के ना बच्चों को, वैसे आलू चिप्स फ्राई बहुत पसंद होते हैं। जैसे दो हरा टमाटर थे और दो हरी मिर्ची थी हमने डाल दी, बाकी हम गार्निश में हरी हरी मिर्च डालेंगे, धनिया थोड़ा, अभी टमाटर को ऐड कर देंगे। टमाटर अगर पानी भी लगा उसको भी गलने में थोड़ा थोड़ा, आलू के ऐसे जल्दी गलते हैं। हल्दी डालेंगे, कलर फुल से अच्छे लगते हैं, रेड येलो ग्रीन सब ज्यादा वैसे अच्छी लगती है। अभी हम मिर्चे लगा मिर्चे डाल देंगे, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है, देखते हैं मसाले में तो उससे भी ज़्यादा लगे थे। अच्छा हम फ्लेम थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि अभी टमाटर के अंदर ही ज़रा सा एक कतरा पानी डालेंगे, और जैसे टमाटर पानी निकलेगा इसके अंदर ही गल भी जाएंगे, टमाटर भी हमारे में हो जाएंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं, तो कवर कर देते हैं और 10 मिनट बाद देखते हैं। फिर ये देखिए आलू हमारे डन हो गए, अभी थोड़ी सी इसमें सूखी मेथी डाल देंगे, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बाकी गार्निशिंग में थोड़ी सी हरी मिर्च और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू रेडी हो चुके हैं, ये हलवा पूरी के साथ भी खाए जा सकते हैं। हलवा पूरी के साथ भी ऐसे आलू बना लें आप, पराठों के साथ गर्मियों में दोपहर में खाने के टाइम। ये देखें इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए हमारी जो है ना ये आलू की कतलियाँ रेडी हो गई हैं, हमने इसे डिश आउट कर लिया है और आप देखें इतने मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़े की आलू की कतलियाँ बनी हैं। आप पराठे से, हलवा पूरी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेंगी और झटपट बनती है, नाश्ते में भी बन सकती हैं, बहुत कुछ 10 मिनट में तैयार हो गई हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इंस्टा पे मुझे आप लोग फॉलो करो, उस पर मेरी आईडी अकाउंट बना है मेरा, उस पर भी इंस्टा पे मुझे फॉलो करें आप लोग। और बाकी ये कि आप ज़रूर मेरी चीज़ को, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को इसी तरह आबाद रखे, नई से नई डिशेज़ का इजाफा करे, नए नए खाने, नए नए जायकों से हमारा दस्तरखान भरता रहे सबका, रिस्क हलाल दे अल्लाह ताला, सबकी दुआओं को कबूल करे। अब मुझे इजाज़त दीजिए फरजाना के दस्तरखान से, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, इस उम्मीद से कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।